नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हथौड़ी थाना क्षेत्र के लुसाड़ी गांव में अपराधियों ने मुखिया के देवर को गोली मारकर की हत्या। जुड़न छपरा मेन रोड पर जांच कराने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक हुई मौत, कई घंटों तक लोग रहे दहशत में। और वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पर रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से कई डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। जिले में बेखौफ अपराधियों का आतंक जारी है। हथौड़ी थाना क्षेत्र के लुसरा गांव में अपराधियों ने मुखिया के देवर को गोली मारकर हत्या कर दी। जिले में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला बोछा थाना क्षेत्र का है, जहां सनाथी पंचायत की मुखिया सुनीता देवी के सबसे छोटे देवर वीरेंद्र सहनी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हथियार लहराते हुए भाग निकले, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल वीरेंद्र को इलाज के लिए SKMCH भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि किसी काम से वीरेंद्र सहनी अपने बाइक से जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में हथौड़ी रोड के लुसाड़ी गांव के समीप बाइक सवार अपराधियों ने CSP संचालक से लूट की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में बचाने के क्रम में अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर फरार हो गए। रास्ते से कोई CSP वाला जा रहा था, तो उसको घेर के अपराधी लोग रोक के पैसा उसका किया कुछ छीन रहा था। उधर से लौट रहे थे, देखो उसका पैसा किया कुछ छीन रहा है, तो बस बचाने गए हैं, तो उससे हतावाई हुआ, जब तक हतावाई में गोली मार के भाग गया। क्या गोली लगा है इनको? दो गोली लगा। घटना कहाँ पे हुआ है? वही हथौड़ी रोड में लुसाड़ी लीची गाछी बोलता है, लुसाड़ी लीची गाछी। कौन सा बाइक से? कुछ पता चल रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ के बाद? तो वहाँ से गोली लगा, जब तक वहाँ से लोग इनको लेके आए मेडिकल के लिए, इलाज के लिए, जब तक रास्ता भी दम खोल दिया, मेडिकल में मृत घोषित कर दिया डॉक्टर लोग। कौन सा CSP का संचालक था? कुछ SBI का था। कहाँ पे का? हथौड़ी का था वो। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मीनापुर विधायक मुन्ना यादव भी SKMCH पहुंचे और मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में विधायक मुन्ना यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि बिहार में बहार है, अपराधियों की सरकार है, नीतीश कुमार है। लगाम है, कहीं किसी अपराधी में कोई खौफ नाम का चीज नहीं है। सरकार स्तर से कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होता है जिससे अपराधी को भय हो। भय मुक्त है अपराधी एकदम, और ऐसा लगता है कि अभी अपराधी का समानांतर सरकार चल रहा है। तो कहावत है ना कि बिहार में बाहर है, अपराधी का सरकार है, नीतीश कुमार है। आए दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि मुजफ्फरपुर जिला में घटना नहीं होता हो, नहीं कहां कोई अपराधी पकड़ा रहा है। आज क्या हुआ है, कहां है आप? आज सनाथी में, हमारे क्षेत्र में सनाथी में बेचारा किसान आदमी है, अब किसी को छीन छोड़ कर रहा था, उसको ही बचाने गया, इसी को एक गोली धर दिया, अपराधी फरार हो गया, दो गोली मार दिया, अपराधी चल गया। किसान तो सीधा साधा आदमी, देखा कोई छीन छोड़ कर रहा है तो पकड़ने गया, उसको अपराधी गोली मार करके चल दिया। अब चार बच्ची है, एक लड़का है, ऐसी तो स्थिति है बिहार में। कहीं कोई कानून का राज नहीं है, ये केवल दिखावा है। बाद बाकी नीतीश कुमार को अब आ रहा गया है समय, इनको औकात पता चल जाएगा। जुड़न छपरा रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर भय बना रहा। उत्तर बिहार के सबसे बड़ी चिकित्सा मंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग अचानक सड़क पर गिर गए और तत्काल उनकी मौत हो गई। अचानक आसपास जुटी भीड़ को लगा कि कहीं उनकी मौत कोरोना से तो नहीं हो गई है, पर कुछ देर के बाद बुजुर्ग को खोजते उनके परिजन पहुंचे तो पता चला कि वे सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा गांव निवासी नारायण राय के रूप में उनकी पहचान हुई। परिजनों के अनुसार वह मधुमेह से पूर्व में पीड़ित थे। इलाज के लिए परिजन उन्हें जुड़न छपरा लेकर आए थे, जहां उनकी अचानक मौत हो गई। इनको सर 4-5 दिन पहले डॉक्टर यहाँ दिखाए ना, बोला कि डायबिटीज, उसके बाद जांच लिखा, दवाई लिखा, लिखने के बाद फिर कल ही गिर गए थे खड़े। उसके बाद आज सवेरे यहाँ लेके आए, वहाँ भी 2500 रुपया डॉक्टर जांच के लिया है, बोला है सामने रिपोर्ट लिया, यहाँ लिखा था 1850 का जाँच। यहाँ हम नंबर लगाने में अंदर घुसे तब तक ही
बाहर बोले कि आ रहा है। अब तो हम दो दिन पहले हुए चले आए, हम बाहर खोजते हैं उनको ECG कराने के लिए, तो यहाँ गिरा। नाम क्या उनका? विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा कई वरिष्ठ डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। बुधवार को नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर शहर के 5 प्रतिष्ठित डॉक्टरों को रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही 30 बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के लिए भी चुना गया। डॉक्टर HN भारद्वाज, डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, डॉक्टर PK मिश्रा, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर रंजन राज को कोरोना वॉरियर सम्मान 2020, क्लब के अध्यक्ष अजीत कुमार अग्रवाल एवं सचिव आलोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दिया। इस दौरान क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे। समझता हूँ अच्छी तरह से ये काम करते रहे और बच्चों को लाभ बता रहे हैं। जितने भी मदद संभव है वो मैं इनको दूंगा। हमारे पास के लिए नुकसान में जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे भी सपोर्ट करेगा। ये किसी भी रोटरी क्लब का पहला दिन होता है 1 जुलाई और यहाँ से सेशन या सत्र की शुरुआत होती है और 1 साल तक 30 जून तक इनको कमान संभालना होता है। तो जो नई टीम आई है और जो पुरानी टीम है दोनों ने मिलकर आज जो इतने सारे कंप्यूटर वाले जो ट्रेनिंग वाले बच्चे थे उनको ये पुरस्कृत किया और हम जितने डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं रोटरी क्लब से रिलेटेड हमें सम्मान किया तो हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं और मैं कामना करती हूँ कि आने वाले सत्र में जो टीम है बहुत अच्छा काम करे। डॉक्टर्स डे पर अपने रोटरी क्लब के कुछ डॉक्टरों को कोरोना वायरस के योद्धा वायरस के रूप में उनको सम्मान किया है। अनलॉक 2 के दौरान बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का असर शहर में प्रमुख शोरूम में देखने को मिला। देखिए ये रिपोर्ट। अनलॉक 2 लागू होते ही बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का असर शहर में देखने को मिला। शहर के प्रमुख बाजारों के शोरूम के दुकानों में दुकानदारों द्वारा पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर सरकार के निर्देशों का पालन करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा जो ग्राहक भी इन दुकानों में आ रहे थे वो भी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो अनलॉक फेज 2 का नोटिस आया उसी अनुसार हम लोग मॉल ओपन कर रहे हैं और जो रूल रेगुलेशन दिया गया उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग एंट्री गेट पे कस्टमर को पहले हैंड सैनिटाइजिंग कराते हैं एंड थर्मल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर माफ किया, जिसका भी अगर 98 से अधिक आता है उसको हम लोग एंट्री नहीं देते हैं। दूसरा, कस्टमर को या हमारे स्टाफ को सभी के लिए रूल है विदाउट मास्क एंट्री किसी को नहीं होगा, सबको मास्क पहन के एंट्री करना होगा, जो कि आप लोग यहाँ देख भी रहे होंगे हमारे सारे स्टाफ मास्क पहने हुए हैं, कस्टमर भी मास्क पहने हुए हैं। पूरा सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, केंद्र सरकार का सपोर्ट करते हैं इसके लिए और आगे भी करते रहेंगे। हम तरफ से जो अभी अनलॉक 2 का जो आया है फैसला है जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो है, इसमें है कि दुकानदार को मास्क लगा के मात्र एहतियात बरतना है, साथ साथ कस्टमर को भी लगा के रखना है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी मैक्सिमम जो भी कस्टमर्स आते हैं तो उनसे हम लोग अपील करते हैं कि आप मास्क लगा के आइए, प्लस के सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। अगर उसमें से कोई कस्टमर के पास अगर मास्क नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर अपने पास रखे हुए मास्क जो कि उनको प्रोवाइड कराते हैं यहाँ से मास्क, ऑफकोर्स कोई चार्ज वगैरह नहीं है, और उनको बताते भी है कि आप अपने फैमिली मेंबर को जो भी मार्केट में निकले, कोई भी सार्वजनिक स्थल पर निकले, भीड़ भाड़ वाला एरिया में निकले तो वहाँ पर मास्क का यूज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम करें, ताकि अगर आप अगर मान लीजिए कि अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, फिर आगे चल के आप खुशहाल रहिएगा। और केंद्र सरकार जो पहल है, अगर हम आप इस चीज़ को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कौन करेगा? हम आपसे ही ना देश चलता है, तो केंद्र हमारे और आपके भलाई के लिए सोच रहा है तो हम लोग। वहीं दूसरी ओर शहर के प्रमुख बाजारों का नजारा शोरूम से बिल्कुल विपरीत नजर आया। रोड पर चलने वाले लोगों में किसी प्रकार का कोरोना वायरस से सावधानी बरतते नजर नहीं आ रहे थे। कितनों ने तो मास्क पहना था लेकिन अधिकांश लोग बिना मास्क के ही चलते नजर आए। इन लोगों में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का कोई असर नहीं दिख रहा था। जिले के एक शादी समारोह में तमंचे पे डिस्को वाला वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन होश में आई। सिटी SP ने जांच का दिया आदेश। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, लेकिन जिले के शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो छोड़िए, सरेआम बेखौफ होकर हाथों में हथियार लेकर सरेआम फायरिंग करते नजर आए।
यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की जांच का आदेश सिटी एसपी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि इस वीडियो को देखा जा रहा है, जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। सुबह में संज्ञान की मीडिया बंधु की तरफ से यह जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि सदर थाने के इलाके में किसी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग किया गया है। आपके द्वारा जो है कि वीडियो फुटेज लेके उसको हम लोग जाँच करा के विधि सम्मत करवाई अविलम्ब करेंगे। लोगों की बार बार जो है कि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने अवगत भी कराया है। पूर्व में जो है कि इस संबंध में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई भी की गई है। ऐसा नहीं है कि रुका नहीं है, लेकिन पहले से कम हुआ है, लेकिन गाहे बगाहे जो है कि इस तरह की घटनाएँ कभी ना कभी हो जाती हैं, जल्दी ही रुक जाएगा। ये मैसेज स्पष्ट है कि जो आर्म्स एम्युनेशन उनको लाइसेंस का मिला हुआ है उनको व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दिया गया है, न कि जो है कि हर्ष फायरिंग के लिए दिया गया है। यदि जो है कि इस तरह की घटनाओं में जो है कि उनका आर्म्स लाइसेंस प्रयोग में किया जाता है तो न सिर्फ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके जो है कि आर्म्स लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के अवसर पर RBTS होम्योपैथिक कॉलेज में गर्भवती महिला और नवजात शिशु के टीकाकरण सेंटर की शुरुआत की गई। विश्व चिकित्सक दिवस पर RBTS होम्योपैथिक कॉलेज के यूनाइसिस विभाग की ओर से गर्भवती महिला और बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की गई। ये कैंप इस कॉलेज में हमेशा लगा रहेगा। यहाँ गर्भवती महिला और नवजात शिशु का पूरा टीकाकरण किया जाएगा। RBTS कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि आज से यहाँ इसकी शुरुआत की गई है ताकि गर्भवती महिला और नवजात शिशु के टीकाकरण में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आज 1 तारीख को जुलाई ना 1 जुलाई को ये वैक्सीनेशन जो है और डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में कह लीजिए आप कि हमने जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा है और हमारे प्राचार्य के द्वारा जो है ये शुरू हुआ है। डॉक्टर एवी अंगा और हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर समीर और मैं हूँ डॉक्टर वीके गुप्ता और मैं कोशिश करूंगा और ये रहेगा कि हम लोग अधिक से अधिक जो है वैक्सीनेशन दें। वो सभी तरह का टीकाकरण बच्चे को गर्भवती माँ को दिया जाएगा और साथ में विटामिन विटामिन का दवा और गर्भवती महिला को जो आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है ये सभी चीज यहाँ फ्री में उपलब्ध। बहुत अच्छा लगा। छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स तो हमारे यहाँ अवश्य पधारे। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट को हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी
कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं। जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों, और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूं कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगाना है, जरूरी है ये मास्क लगाना। और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे, आप समझिए वो कम है, 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए, और आपको भी जरूरी हो तो भी घर से निकलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर समाहरणालय सभागार में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष के साथ विशेष बैठक की गयी। बैठक में निर्वाचन आयोग से आए सर्कुलर 1000 की वोटर वाले बूथों पर अब 1500 वोटर वाले बूथ को लेकर निर्णय लिया गया। इसको लेकर जिला प्रशासन ने 1369 बूथों में जगह के अनुसार 100 सहायक बूथ बनाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कंवर सिंह ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर सभी पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई थी। इसकी बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बूथों को लेकर के उस पर कुछ निर्णय लिए जाने थे, उसको लेकर के बैठक की गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि COVID-19 के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है,
निर्वाचन आयोग का एक सर्कुलर आया है जिसके तहत 1000 की जनसंख्या पर ही एक बूथ होंगे। पहले 1500 निर्वाचकों पर एक बूथ हुआ करता था, तब ऐसी परिस्थिति में जिले में 1469 ऐसे बूथ हैं जिन पर 1000 से अधिक लोग हैं, तो ऐसे में उन बूथों पर यानी उन बूथों को चेंज किया जाना है। ऐसे में उन 1469 बूथ को चेंज करने के लिए जो गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग के, उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाना है। तो उसके लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई थी, तो जनप्रतिनिधि विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, उनके जो प्रतिनिधि है अध्यक्ष वगैरह वो आए थे और उनसे उन पर सहमति ली जानी थी, उनके संज्ञान में ये बात दिया जाना था। तो 1469 बूथ ऐसे हैं जहां 1000 से अधिक मतदाताओं की संख्या है, तो उसमें जो गाइडलाइन है वो ये है कि उन बूथों को उसी परिसर में उसी बिल्डिंग में सहायक मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया जाना है, और यदि उसमें जगह नहीं मिलता है तो बगल में किसी बिल्डिंग से उसको टैग किया जाना है। तो 1469 में 1369 ऐसे बूथ थे जिनको उसी भवन में टैग किया जा चुका है, 100 बूथों को उस भवन से अलग हट करके टैग किया गया है, जिसकी सूचना विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को दी गई। विश्व चिकित्सा दिवस के अवसर पर इनरविल क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा निजी स्कूलों में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को डॉक्टर्स डे के अवसर पर इनरविल क्लब की ओर से अध्यक्ष रूपा सिन्हा की अध्यक्षता में डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर निमिषा को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर अंग वस्त्र, मोमेंटो, सर्टिफिकेट और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गार्गी श्रीवास्तव, प्रीति राज, रीना सिंह, बबली कुमारी, डॉक्टर जयंती कुमारी सहित क्लब की कई सदस्य मौजूद रही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर हमारे लिए हमेशा भगवान का रूप रहे हैं, पर ये कोविड में तो और ज्यादा ये भगवान के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। सब कोई घर में छुपे हुए हैं पर ये अपने ड्यूटी में लगातार बने हुए हैं। कल ही हमारे घर में तमाम डॉक्टर आए हैं और आज और रात में ड्यूटी पे चले जाएंगे, तो कोई घर का बात हो, कहीं कुछ हो, उनको अपनी ड्यूटी ही दिखाई दे रही है और लोगों का साथ देना, उनका इलाज करना ही। आज डॉक्टर्स डे है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई को डॉक्टर विधानचंद जो हमारे मतलब डॉक्टर थे, लेकिन वो हमारे वेस्ट बंगाल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, समाज सेवी थे, और उनका जो मुख्यमंत्री का काल था उसमें भी बहुत अच्छा ही रहा था। वो हमारे हमेशा जो है समाज के प्रति सजग थे और वो जितने भी जो गरीब तबके के थे उनको जो है और असहाय थे उसके प्रति उनके दिल में बहुत संवेदना थी और वो उनके प्रति इतने ये थे सजग की उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखते थे। मोतीझील स्थित शू पार्क मार्केट में मकान मालिक द्वारा रास्ते में बीच दीवार घेरे जाने को लेकर दुकानदारों ने विरोध कर जमकर हंगामा किया। बुधवार को मोतीझील स्थित अप्सरा कॉम्प्लेक्स के पास स्थित एक मार्केट में दीवार उठाए जाने का दुकानदारों ने विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट के बीचों बीच दीवार खड़ी करने से पार्किंग और दुकान पर आने वाले ग्राहकों को काफी दिक्कत होगी। मामला यही है सर, इन्होंने कौन आदमी लिखवा लिया है, कहीं से लिखवा के चले आए हैं या हम लोग को डिस्टर्ब होगा, बीच से रास्ता घेर देंगे, हम लोग का रोजी रोटी पकड़ेगा, यही हम लोग का है। वहीं दूसरी ओर दुकान मालिक का कहना है कि पहले दोनों मार्केट के बीच कॉमन रास्ता था, जिसे कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के कारण अब दीवार उठाया जा रहा है। महामारी में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जगह हम लोग सोशल डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं, तो अभी हाथ में है, दुकान नहीं खुलेगी, सड़क पे है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये जगह है, रास्ता बचा ही नहीं, दोनों तरफ रास्ता हो गया, जबकि एक ही रास्ता था तो क्लियर था रास्ता, अब रास्ता बीच से डिवाइड हो गया, वही काम होगा लेकिन बीच से डिवाइड होकर जगह कम हो गया, गाड़ी आएगी, कस्टमर आएगी, अगर एक गाड़ी कस्टमर में आ गया तो रास्ता बंद। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के विरोध में आपके सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला। देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में जिला आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक से प्रतिरोध मार्च निकाला।
मार्च कंपनी बाग सड़क होते हुए सवर्णालय पहुंचा। मार्च के दौरान आपके सदस्यों ने सरकार विरोध नारे लगाए। आपके जिला अध्यक्ष ने कहा कि लॉकडाउन में गरीब जनता पहले से ही परेशान है और इस पर से सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि किया जा रहा है, जिससे जनता काफी परेशान है। डीजल पर बढ़े बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ हम लोग सरकार को जागरूक करने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति बैरल कीमत जो है कि कम हुआ करती थी, उस समय पेट्रोल और डीजल का दाम जो है कि 45 और 46 रुपए होता था, अभी स्थिति जो है कि 80 रुपए पहुंच गया है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल हो गया है। डीजल पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह जो है कि किसान भी इस पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, खेती की भी व्यवस्थाएं डीजल से आश्रित है, चलती है, पूरी ट्रांसपोर्ट यातायात जो है कि इस पर प्रभावित हो। केवल डीजल के दाम बढ़ने मात्र से जो है कि उपभोक्ता की सभी वस्तुएं की दाम जो है कि बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार को, इस गूंगी सरकार को सोचनी चाहिए। ये केवल अभी तक सरकार जो है कि नारेबाजी करते रही है, वह जो है जुमलेबाजी करती रही है, लेकिन वास्तविक धरातल पर जो है कि सरकार का कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे जो है कि जनमानस को राहत पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।